गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग ने अभी ब्रश वगैरह सब कर लिया है, फेस वॉश कर लिए हैं और उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे देखने के लिए। और देख सकते हैं ये भाई बहन सब इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा कुछ बताइए आप। आज है सबसे इंटरेस्टिंग दिन, क्योंकि जिसका हमें सबसे बेसब्री से इंतजार था वो दिन आज है। आज हम लोग देखने वाले स्नोफॉल और जो नज़ारा अभी हमारे आंखों के सामने है ये देखने के लिए आंखें तरस गई थी। लेट मी शो यू समथिंग। बाहर दिखाते हैं। दिस इज व्हाट जो हम लोग चाह रहे थे इतने दिन से और अभी वो पूरा हो चुका है। और जो हमारे आंखों के सामने ना कैन नॉट एक्सप्रेस क्या दिख रहा है। तो भाई दिखा देता हूँ मैं आपको फाइनली। दिस इज हिमालयस जो अभी तक हमारे जीके के बुक पे ज्योग्राफी के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था वो आज हमारे आंखों के सामने है। और मैं बता नहीं सकता कि क्या नज़ारा है। ये कैमरे पे वैसा बिल्कुल नहीं आ रहा जैसा हमारे आंखों के सामने। किस तरह से बादल कैसे एंटर कर रहा है और पहाड़ पूरा बर्फ से ढका है, ये टोटली अनएक्सप्रेसिबल है। मैं इसे एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। ओ माई गॉड, लुक एट दैट पीक, हाउ शार्प इट इज, कितना शार्प है। देख रहे वहाँ पे वो वाला। आई होप कि हम लोग K2 या कंचन माउंट K2 देख पाए, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। लुक एट इट। और अभी थोड़ी देर में हमारी गाड़ी आ जाएगी या आ चुकी है प्रॉबेबली, नहीं अभी नहीं आई। और फिर हम लोग निकलेंगे युमथांग वैली के लिए। बाकी की कहानी अमन के जुबान। तो जैसे कि भाई ने सब कुछ तो बता दिया, तो कहने को कुछ है नहीं बट दिखाने को बहुत कुछ है। तो स्टे ट्यून्ड और मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ। बहुत अच्छा अच्छा सीन है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा व्लॉग पे। मिलते हैं फिर हम। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अभी हम लोग जहाँ पे होटल पे थे, यहाँ से हम लोग का लाचुंग जाने में, मतलब वो जो व्यू है जाने में 1 से 1.5 घंटा 1.5 आवर्स लगेगा ही अभी। तो यहाँ से हम लोग का ट्रिप स्टार्ट हो गया। बस अब हम लोग चलते हैं और फिर दिखाते हैं, देख सकते हैं फुल इंजॉय हो रहा है। लोग 20 to 23 किलोमीटर, मतलब वही 1 आवर्स ऑलमोस्ट लगा। तो हम लोग युमथांग वैली आ गए हैं। अब युमथांग वैली यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे हम लोग को बूट वगैरह या जैकेट जो भी लगेगा हम लोग को रेंट में लेना पड़ेगा। तो आपको दिखाते हैं और चार्जेस भी बताएंगे कि कितना चार्जेस वगैरह लग रहा है। तो हम लोग दिखा रहे हैं कि रेंट जो है शू वगैरह बूट वगैरह ये सब बहुत सारा बूट है। आप देख सकते हैं हम लोग अभी आए हैं और ब्रेकफास्ट के लिए, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर करके शू वगैरह बूट जो भी रहेगा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, है ना। ऐसा ठंड लग रहा है थोड़ा, बताओ यार। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड है यार। पूरा ये बर्फ से मतलब जम गया है जैसा, मतलब क्या बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। कुछ मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर भी एडजस्ट घूमने आया तो उतना तो करना पड़ेगा एडजस्ट। चलते हैं खाने के बाद फिर बताते हैं। हाथ भी सामने कर रहा हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, ब्रेड और जैम दिया था खाने के बाद, बहुत मज़ा आया, अच्छा था। और चाय वगैरह हम लोग पिए, चाय लिटरली बहुत टेस्टी था, ऐसा चाय मैं नहीं पिया हूँ, बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर हम लोग जैकेट ग्लव्स ये शू वगैरह हम लोग सब रेंट पे लिए, 100 रुपीज़ करके जैकेट का, ये ग्लव्स का 50 रुपीज़ लिया और बूट का भी 100 करके लिया। तो हम लोग ले लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग सब निकलेंगे और दिखाते हैं हम आपको, भाई लोगों को भी सबको, वो लोग सबका जैकेट और यहाँ पे भी सब दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि
ये सब जैकेट है। और यहाँ पे से आपको अगर कैप चाहिए होगा तो ये आपका कैप आपको 200 रुपीस बोल रहा है, तो 200 में आपका एक कैप का प्राइस होगा। और बस यही है, यहाँ पे हम लोग खाए हैं, यहाँ का बहुत अच्छा था खाना, सब कुछ मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है सर। यही है कुछ हमारा युमथांग वैली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा शॉप है, रेंट वगैरह में बहुत सारा मिलेगा, सेल में भी है। और यही सब हमारा है युमथांग वैली पूरा, वो देख सकते हैं यार क्या सीन लग रहा है, मतलब पूरा बर्फ से पहाड़ पूरा ढकवर हुआ हुआ है। फिर अगर इसके बाद अगर हम लोग और कहीं जाएंगे तो बताते हैं। युमथांग वैली तो हो गया है और अब हम लोग इसके बाद आई थिंक हम लोग जीरो पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जीरो पॉइंट जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको दिखाते हैं सब कुछ सीन। बहुत मज़ा तो आ रहा है यहाँ पे, मज़ा आ गया युमथांग वैली, यही कुछ है। युमथांग वैली से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट हम लोग जा रहे हैं अब। और जिस तरह से मैंने कहा था कि मे बी हम लोग एक और नया जगह जाए विच इज कट आउट और समथिंग एल्स, वही उस जगह पे भी हम लोग जाने का कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और फिर आपको बताते हैं वहाँ का क्या है। मतलब 20 से 23 भी सुना है, जैसे बताया था मैंने कि अंकल ने बताया वो दूसरा स्विट्जरलैंड के तरह है, तो देखते हैं कैसा नजारा आता है, कैसे होगा। कितना किलोमीटर बोले हैं? अराउंड 30 किलोमीटर जो कि 1.5 आवर्स लगेगा इस रास्ता पे, तो पूरा सफर वर्थ इट है, सारा नजारा इस सफर में जो आ रहा है दैट इज टोटली अमेजिंग। फिर हम लोग अब से मिलते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट कहाँ, जीरो पॉइंट। तो फाइनली हम लोग जीरो पॉइंट पहुंच चुके हैं और यहाँ का नजारा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई, थोड़ा बताओ यार क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? आई एम टोटली स्पीचलेस, ये बस एक्सपीरियंस करने के लिए ही है, ये हम बयान नहीं कर सकते। बहुत ही मतलब अच्छा सीन है यार, मतलब पूरा बर्फ से कवर है पूरा पहाड़, मतलब इतना अच्छा सीन है। ओ, ओ, ओ भाई अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है, दिखाता हूँ मैं थोड़ा। ये बर्फ मानो बर्फ नहीं मोती है, जिस तरह चमक रहा है ना मैं बता नहीं सकता, एक एक सिंगल पीस और क्रिस्टल ऑफ आइस इस तरह चमक रहा है जैसे डायमंड बिछा है पूरा यहाँ पर, और आँख खोल के बिना गॉगल्स के नहीं रह पाएंगे हम लोग, या कोई नहीं रह पाएगा यहाँ पे। और आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का क्या लग रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कमी फील हो रहा है? थोड़ा ही मैंने स्नो फाइट किया और स्नो फाइट करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे बहुत ही ऑक्सीजन कम है और तुरंत ही मेरा ब्रीथलेसनेस होने लगा। तो मतलब कि भाई को थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का फील मतलब कम फील हो रहा है और मेरे को भी थोड़ा लगा है, जिसके लिए हम लोग नैप्थेलिन बॉल लेके आए थे, बट अभी तक तो ज़रूरत नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत खेले ये कूदा मतलब उछा किए तो थोड़ा बहुत लगा है ऑक्सीजन का कमी, बट उतना भी नहीं है जितना सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ये होगा वो होगा, बट ठीक है एडजस्ट हो सकता है। क्या बोल रहे भाई, हो सकता है? तो हुआ हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम मेरा मेरे को उतना तकलीफ नहीं हुआ, बट हाँ जब मैंने थोड़ा हाई इंटेंस थोड़ा फाइट कर लिया। आपको क्या लग रहा है? हो सकता है क्या नॉर्मल लग रहा है? ना नॉर्मल नहीं लग रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, हल्का हो रहा है बट अभी चल ठीक है, एडजस्ट हो सकता है, मतलब इतना है कि हो सकता है, टोटली एडजस्ट हो सकता है मतलब। और पीछे का सीन दिखा दो यार, ये नजारा तो भाई आप देख के मतलब बोल नहीं सकता हूँ मैं इस चीज को, और देख यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस चीज का तो ही मजा था। उफ, ये अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे ये जाया जाता। सब कितना एंजॉय कर रहा है, आपको देखो यार सब कितना एंजॉय कर रहा है।
show you something. एक सेकेंड. अमन, let me show you something. ये मजा चाहिए, क्या बोलते हैं भाई? ये मजा चाहिए. Once more, huh? Once more, yes. Yeah. Oh, मेरे को मार रहा है. अरे 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 लग रहा है. ओ आ आ गिरा. यो मैन, हाउ आर फीलिंग? यो सो अब हम लोग का यहाँ से सारा कुछ हो चुका है. 0 point इज नाउ डन. ड्राइवर हम लोग को बुला रहे हैं दूसरे जगह जाने के लिए. थोड़ा डेंजरस है यहाँ पे, पता नहीं कितना डीप होगा. जस्ट अ मिनट. सामा आर कमिंग ना? हाँ, सामा इज कमिंग है. अमन वो आगे चला गया. रुक जा भाई. यस आई एम कमिंग. देखो जरा सा चलने से ही ब्रेथलेसनेस हो रहा है, थोड़ा बहुत है, मतलब तो हो रहा है कि ऑक्सीजन का जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आई वुड सजेस्ट कि ऑक्सीजन टैंक ले ले. वो छोटा कैन मिलता है, कुछ भी आप ठीक है. मीटिंग का हार्ट थोड़ा बहुत फील हो रहा है भाई. तो हम लोग अब निकल रहे हैं कटाव के तरफ. कहाँ जा रहे हैं? कटाव. ओह चलो फिर हम लोग मिलते हैं. हम लोग मिलेंगे फिर थोड़े से ब्रेक के बाद. बाय. जो ये सारा ट्रिप पॉसिबल हुआ है वो सिर्फ इनके वजह से. ये बहुत अच्छे से लेकर आए हम लोगों को और घुमा के. भाई अपना नाम बताइए एक बार. नीमा. नीमोदा बहुत अच्छे से आए पूरे रास्ता एंटरटेन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए. अब मेरा सांस नहीं आ रहा. अब अमन बोलेगा. अमन कंटिन्यू. हाँ भाई को देख सकते हैं, ये ऊपर है और ये हमारे साथ चल रहे हैं. तो अब हम लोग को ये भाई बोले कि कटाव की तरफ लेके जाएंगे, तो अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग. भाई के बारे में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा. भाई को बस 3 साल में 10 साल का एक्सपीरियंस है. हाँ ये 3 साल से जैसे 3 से 4 साल से गाड़ी चल रहा है कि 10 साल का बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हैं भाई. बहुत अच्छा चला रहे ये गाड़ी भाई. रहे हैं कि हम लोग 0 point गए थे और 0 point से वापस हम लोग आ गए यमथंग वैली के पास. और हम लोग का प्लान था कि कटाव जाएंगे, बट हम लोग ने कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और उसके बाद फिर गैंगटॉक भी जाना. तो भाई आपका क्या था? हाँ जैसा कि भाई ने कहा कि कटाव इज मोर ऑर लेस सिमिलर टू वो स्नो पॉइंट. हाँ 0 point से सिमिलर था, प्लस वहाँ पे जाने के लिए हम लोग को बूट वापस रिटर्न करके और जैकेट रिटर्न करके फिर से लेना पड़ता और सेम ही जगह जा रहे हैं. सेम. और ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम है तो अब मेरे को नहीं लगता कि इट इज़ गुड टू गो. लाइक तो इसलिए हम लोग ड्रॉप कर दिया वो प्लान और सोचे कि गैंगटॉक एटलीस्ट जल्दी पहुंच जाते हैं. तो थोड़ा मार्केट फिर से कर लेंगे. और हम लोग अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यमथंग वैली में. तो थोड़ा सा नज़ारा देख कुछ दिखाएंगे और हम लोग यहीं पर लंच करेंगे. आई थिंक हाँ थोड़ा देर हम लोग यहीं पर लंच करेंगे फिर निकलेंगे गैंगटॉक. यहीं पर फिर उसके बाद गैंगटॉक के लिए फिर निकलेंगे. फिर जाने में फिर से 6 to 7 hours मिनिमम लग जाए. मतलब गैंगटॉक जाने में अभी कितना हो रहा है? अभी 11:30 अराउंड हो रहा है. तो जाते जाते वही 7 बज ही जाएगा. फिर मिलते हैं हम लोग लंच के बाद. तो हम लोग जैसे कि 0 point गए थे, फिर हम लोग यमथंग वैली वापस रिटर्न आए थे. उसके बाद जैसे कि हम लोग बताए थे कि कटाव का हम लोग प्लान कैंसिल कर दिया था. उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपने होटल पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद हमारा लंच वंच सब कम्प्लीट हो गया. अब लंच कम्प्लीट होने के थोड़ा देर के बाद अब वापस हम लोग को गैंगटॉक के लिए जाना होगा.
जो कि फिर से मतलब मिनिमम 6 to 7 hours फिर भी लग जाएगा। और ये रहा कुछ हमारा, देख सकते हैं ये वाला ही हमारा था होटल, और यही कुछ था व्यू आप तो देखे ही थे। तो फिर हम लोग अब सब कुछ हो गया, तो फिर हम लोग अब मिलते हैं, फिर हम लोग वापस है गैंगटॉक में, फिर उसके बीच में अगर कुछ हुआ तो दिखाएंगे, वरना फिर मिलते हैं गैंगटॉक में। तो हम लोग का होटल से चेकआउट कर चुके हैं, और चेकआउट करने के बाद 30 to 40 minutes गाड़ी चला है, उसके बाद 5 to 10 minutes ब्रेक दिया है, और वो ब्रेक इतना जल्दी मतलब 30-40 minutes के बाद क्यों दिया है वो भी बताता हूँ मैं कि, और वो इसलिए दिया है मतलब जब वाटरफॉल मतलब इतना स्पीड वाटरफॉल है कि पूरा उसका जो पानी है पूरा फेस पे आ रहा है, पूरा मोबाइल पे आ जा रहा है। देखिए यार क्या है मतलब, मैं बोल नहीं सकता हूँ इसको कुछ भी। व्हाट अ वेदर मैन, वेदर भी उतना ही मस्त हो रहा है और पानी भी आ रहा है पूरा फेस पे, तो मज़ा आ गया। फिर अगर और भी कुछ सीन रहेगा तो फिर और भी सब कुछ दिखाएंगे, फिर मिलते हैं हम लोग। है गाइस, तो हम लोग का गाड़ी जो है 230 पे गाड़ी चला था, फिर उसके बाद हम लोग का 3.5 hours के बाद गाड़ी रुका है, क्योंकि बीच में रास्ता बहुत जैम भी मिला, बहुत कुछ मिला, कुछ ब्रेक दिया 10 मिनट का, और कुछ खाएंगे वाएंगे थोड़ा, दिखाते हैं यहाँ पे रोका, यही कुछ जिंजर हाउस बोल के रोका सब लोग, ये अभी हम लोग रोका है, तो फिर हम लोग कुछ खाते वाते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी फिर चलेगा। अभी भी कितना, अभी भी 2 घंटा लगेगा, अभी भी 2 घंटा लगेगा मिनिमम अकॉर्डिंग टू गूगल 2 hours 8 minutes। हाँ फिर तो यहाँ ठंड नहीं रहा, फिर मिलते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का गाड़ी बोले थे कि 10-15 मिनट के लिए रुकेगा, कुछ खाएंगे हम लोग, तो हम लोग खाए यहाँ पे मैगी वगैरह ये सब खाए, नॉट मैगी बट वाई वाई और चाय में पिए, चाय का भी टेस्ट बहुत अच्छा था भाई। कैसा लगा बहुत, मतलब चाय अभी तक का मेरे को बहुत बेस्ट लगा, बट इसको सेकेंड बेस्ट लगा, और यू बेटर नो मैगी हम लोगों ने क्यों नहीं खाया, यू शुड टू नॉट ईट मैगी एंड अदर प्रोडक्ट। फिर अभी हम लोग निकल गए, और अभी भी 2 घंटा मिनिमम लग जाएगा, 2 से 2.5 घंटा लगेगा फिर हम लोग चल रहे हैं। बट एक छोटा सा ट्रिप, एक छोटा सा ब्रेक बहुत ज़रूरी था, इतना लंबा ट्रैवल, आज बहुत ही हेक्टिक दिन रहा है, बिकॉज लाइक हम लोग सुबह से ट्रैवलिंग स्टार्ट किए हैं 6 बजे से, और 6 बजे के बाद हम लोग सबसे बड़ा ब्रेक जो 0 point पे लिए, उसके बाद खाने के लिए लंच के लिए हाफ एन आवर 45 मिनट हार्डली, एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली चलते ही जा रहे हैं, 3.5 hours 4 hours से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, 12 hours से कंटिन्यूसली चल रहे हैं विद स्मॉल स्मॉल ब्रेक, अभी तीसरा ब्रेक था बस, और इतना हम लोगों को आदत नहीं है। तो फिर से हम लोग रुके हैं, मतलब कितना देर गाड़ी चला होगा जब फिर रुके हम लोग, एक घंटा से ज़्यादा चला है, और अच्छा टाइम पे ब्रेक भी दे दिया है, जो कि थोड़ा गाड़ी में कंटिन्यूसली ट्रैवल करते करते मतलब थोड़ा सा तबीयत का प्रॉब्लम हो रहा है ना, और हम लोग को रोका है कि 7 sister fall के लिए, बट आवाज़ तो आता होगा बट आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं दिया, पूरा ब्लैक है, हाथ सिर्फ दिख रहा है, यहाँ पे 7 sister fall है, और आवाज़ तो आता ही होगा आई थिंक। तो हम लोग के साथ छोटा सा प्रैंक हो गया, हाँ, और बस हम लोग 7 sister वाटरफॉल को सुन पा रहे, देख नहीं पा रहे, पूरा अंधेरा हो रहा है, और क्या ही बोले आप, जाने टाइम हम लोग किसी और रास्ते से गए थे, इसलिए हम लोग पहले देख नहीं पाए, आने टाइम पे हम लोग ब्रिज टूट गया था, जिसकी वजह से हम लोग को रास्ता चेंज करना पड़ा, और हम लोग शॉर्टकट से नहीं, अब थोड़ा लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ रहा है ड्राइवर को, इसलिए हम लोग को और लेट भी हो रहा है, हम लोग अब तक पहुँच जाना चाहिए था, अभी तक हम लोग 2 घंटे लेट है, कितना 8 बज गया, अभी भी बोल रहा है कि 2 घंटा लग जाएगा, लग रहा है 1.5 घंटा, वही 9:30 अराउंड कर ही हो जाएगा जाने में, फिर चलते हैं, पता नहीं टाइम पे टाइम बढ़ रहा है, फिर मिलते हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग कितना 9 बजे हम लोग अपना रूम पे आ चुके हैं, जो कि 7 घंटा मिनिमम लग गया, मतलब पूरा हालत ख़राब हो गया बॉडी का पूरा, भाई को देख सकते हैं मतलब आके सो गया, इसका बहुत ज़्यादा इसका तबीयत ख़राब लगने लगा, और अब तो डिनर का टाइम हो गया, तो जल्दी से हम लोग डिनर करते हैं, डिनर करके फिर हम लोग कल कहाँ जाएंगे, शायद नथुला पास, तो नथुला पास
नहीं, नथुला पास, बाबा मंदिर, यही सब जाएंगे। और फिर अभी के लिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।